Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in... क्योंकि 302 एक दरख्त के ऊपर लिख दी जाए ना, तो वो दरख्त के ऊपर पत्ते नहीं उगते, वो खुश्क हो जाते हैं। 9वें-10वें मुहर्रम के बाद तुम खुसरे बने हो जो। 15 पे ये कॉल नहीं करते, सिर्फ स्क्रिप्टेड है इस वजह से। क्योंकि यार झूठ बोलते हो और अपने माँ बाप को इस व्लॉगिंग में शामिल करते हो स्क्रिप्ट में, वो खुदा की कसमें इतने झूठी खाई है वहाँ पे खड़ा होकर, खुदा की कसमें खाता रहे ये। क्या हाल है सबका? ठीक है, वेलकम बैक टू JBH लाइफ। तो उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरे से होंगे। तो जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी कर ले। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो बहुत ध्यान से सबने सुनना है। और मेरी ये वीडियो जो है आज की, वो स्पेशली पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे व्लॉग देखते हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो देखें। तो गाइस, जैसा कि आपने ये वीडियो देखी, इससे आपको क्या सबक हासिल हो रहा है कि जो ये लोग हैं बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, खुदारा हाथ जुड़े हैं मेरे, इन लोगों से दूर करें अपने बच्चों को। ये सबक मिल रहा है बच्चों को, मिनट से पहले गन्स, पता नहीं क्या क्या डकैतियां, स्क्रिप्टेड प्लान करके बच्चों का माहौल खराब करें, पाकिस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं ये लोग। इनको अनसब्सक्राइब करें और खुदारा इनसे कहें कि अच्छे काम करेंगे तो हम आपको सब्सक्राइब करेंगे। माफी मांग लें इन लोगों से, आपके सारों के बच्चे खराब हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये लोग इतनी बेहुदा हरकतें कर रहे हैं, जो इन दोनों के अंदर कीड़े उछल रहे हैं ना, जो चुलबुल चुलबुल कीड़े कर रहे हैं इनके अंदर, मेरे अंदर अब चुलबुल चुलबुल हो रही है कि मैं कौन सा टाइम हो मैं जाके इसको पकड़ लूं, इसको बताऊं कि हाँ भाई रॉबरी इस तरह होती है। हाँ, तो जब हो गया कि इन्होंने पंजाब पुलिस को ऐसा नुकरे लगाया कि ऐसा नुकरे लगाया, कभी डोगर कहता है कि तू यार एक स्क्रिप्टेड काम कर रहा है, पुलिस नू बुला के, तो ये मैं हमने जाके सब कुछ वापस लाऊंगा, तू झूठा कानूनी जरा तैयार किया है, पुत्र कर रहे वो कर रहे हैं, मैंने पता तेरी 2 नंबर पुलिस से ये वो, इस तरह के डायलॉग मारे जा रहे हैं। पंजाब पुलिस को कुछ समझ नहीं रहे ये लोग यार। और बैरेट और मलक रियाज के ऊपर इतना बड़ा धब्बा है, सरे यहाँ मोबाइलों के साथ ऑनलाइन व्लॉगिंग हो रही है और उसके अंदर डकैतियां दिखाई जा रही है। कैसा माहौल बना दिया इन लोगों ने यार, अपने सिर्फ एक चंद व्यूज की खातिर। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। और इनके माँ बाप भी जो इनके साथ मिले हुए हैं, हर चीज में इनका साथ देते हैं, हर चीज में इनका साथ देते हैं, जबकि उनकी माँ कहती है पैसे कमाने ये काम ना करो। ठीक है, डकी है वो बता के आता है, अटैक करता है इसके ऊपर। रजब है वो जाता है उसके भाई को अगवा करके अपने घर में 2 दिन रखता है। ठीक है, तो पुलिस कहाँ सोई हुई है? 15 पे ये कॉल नहीं करते, सिर्फ स्क्रिप्टेड है इस वजह से। ठीक है, जान बोझ के ये ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। मैं बता दूं, कोई गन गुन नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ लोगों को पागल बना रहे हैं और पंजाब पुलिस के ऊपर धब्बा लगा रहे हैं ये गलत, कि शायद पंजाब पुलिस सोई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये गलत हरकतें कर रहे हैं और इनको बाहर आ जाना चाहिए। ये कर क्या रहे हैं? सिर्फ गन्स को प्रमोट कर रहे हैं, मिनट से पहले लड़ाई है और गन्स 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 हर वीडियो में अपनी ये दिखाता है। ठीक है, और बार बार उसका नाम लेता है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फन्ने का बने हुए, बदमाश बने हुए, ये बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? ठीक है, अभी इतना सा बच्चा, इसकी हरकतें देखें। ठीक है, ये पता नहीं क्या अपने आपको समझ लगे, मिनट से पहले कहता जी मैं भी ये करूंगा, मैं भी गन निकालूंगा, मैं अपने दोस्तों को किडनैप करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ इन 2 बंदों की वजह से काम हो रहा है, ये बहुत ज्यादा गंद फैला रहे हैं इस टाइम, मैं आपको बता दूं। तो जब तक अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेगी, इनको रोका नहीं जाएगा, और लोग जब तक इनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे, तो ये बच्चे इसी तरह की हरकतें करेंगे, मैं आपको बता दूं। कल इसके टीचर से शिकायत आई है। ठीक है, इसने क्या किया जी, यही हरकत जो डक्की और रजब ने पहले की थी ना, उसके भाई को उठाया, इसने भी क्या किया, अपने दोस्त को घर बुला के कमरे में बंद कर दिया। तो पता क्या लगा जी, वो हमें यही था कि शायद खेल रहे हैं, पता क्या लगा जी बाहर मसला बन गया हुआ इस चीज का। ठीक है, और बाद में इसका जब फेंटा लगा, इसको समझाया, तो इसने बताया जी मैं तो जी उनके व्लॉग देखता हूँ, जिस वजह से मैंने ये हरकत की, तो मुझे है कि सिर्फ मजाक होता है, तो मैंने भी एक मजाक कर दिया। तो खुदारा इनसे हाथ जोड़ के पीछे हट जाएं, माफी मांग लें। और स्पेशली मैं ये मैसेज दे रहा हूँ पेरेंट्स को, जो खुद व्लॉग लगा के ये बच्चों को दिखा रहे होते हैं। मैं मना तब तक नहीं करता था, लोग इंटरटेनमेंट करें सही तरीके से करें, मैं मना नहीं करता कि ये चीज ना हो। ठीक है, लोग पैसे कमाएं, इंटरटेनमेंट करें, कुछ टैलेंट दिखाएं। ठीक है, अर्शन नदीम जो काम करके आया, इस तरह का टैलेंट दिखाएं, क्रिकेट दिखाएं, कोई ऐसी चीजें दिखाएं। ये कि चवले मार रहे हैं, गन्स को प्रमोट कर रहे हैं, मिनट से पहले बैरियर टाउन के अंदर सरेआम दिन के टाइम किडनैपिंग ही हो रही है, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, हद है यार। ऊपर से सारा व्लॉग इसने किया, सारा अपने मोबाइल से व्लॉग किया, और मुझे सिर्फ ज्यादा अफसोस जो है ना, वो खुदा की कसमें इतने झूठी खाई है वहां पे खड़ा होकर, खुदा की कसमें खाता रहा ये कि जी हैदर्स के ऊपर गन रखी है। भाई सारे व्लॉग में एक जगह भी गन नहीं आई। ठीक है, झूठ बोलते हो यार तुम लोग, इतनी यार पैसों की भूख है तुम लोगों को कि यार झूठ बोलते हो और अपने माँ बाप को इस व्लॉगिंग में शामिल करते हो स्क्रिप्ट में, उनसे भी झूठ बुलवाते हो सारे यार।
ये बंदा सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी करता है। पहले मलक ने यहाँ से भी लड़ा और वो भी ड्रामेबाज था, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, अब जफियां डल गई, सुलह कर ली, बच्चों को पागल बना रहे हैं, इमोशन के साथ लोगों के साथ खेल रहे हैं, फिर अब ये डक्की के साथ मिल गया है, ठीक है। जबकि इसकी माँ का एंड पे देखो किस तरह के डायलॉग है, उससे आपको पता लग जाएगा कितना बड़ा स्क्रिप्ट है, ठीक है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता कि गन पॉइंट पे सरेआम आपको लोग लूटने लग जाएं, जबकि वो खुद एक व्लॉगर है, वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा, मुझे पता है। ये सिर्फ स्क्रिप्टेड है, तो इसको सीरियस ना लें, खुदा रहे इस चीजों को सीरियस ना लें। और मेरी रिक्वेस्ट इन दोनों से भी है यार, कोई शर्म करो, कोई हया करो, कोई अच्छा कंटेंट बनाओ यार, खुसरे बन जाओ यार, जैसे तुम बनते हो हमेशा, ठीक है। 9वें 10वें मुहर्रम के बाद तुम खुसरे बने हो, जो मुजरे तुम दोनों ने किए हैं वो तुम करो यार। चलो बच्चे डांस ही कर लेंगे ना, ये तुम गन्स 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 बार बार कर रहे हो, इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा छोटे छोटे बच्चों के ऊपर। तो यार मेरी मैं क्या कहूँ, मेरे अब अल्फाज नहीं है, जो इनके अंदर कीड़े उछल रहे हैं ना, ये बदमाशे बदमाशे की बातें करते हैं, इन्होंने भी देखी नहीं। वो बहुत अच्छा डायलॉग एक मारा था बाबा ओपी के बाप ने, पर इन सबसे एक चीज सबको नसीहत होगी, और मैंने जो एक सबक सीखा ना इन सारे व्लॉगरों से, कि इनकी माँ बाप की कोई औकात नहीं इनके आगे। बाबा ओपी के बाप ने उसको मना किया था कि तू कुछ नहीं करेगा, क्योंकि 302 एक दरख्त के ऊपर लिख दी जाए ना, तो वो दरख्त के ऊपर पत्ते नहीं उगते, वो खुश्क हो जाता है, ठीक है। उसने इतनी बड़ी बात समझाई, नहीं माना वो फिर डक्की के साथ मिल गया, डक्की के माँ ने मना किया, वो भी नहीं माना। उसके बाद रजब की माँ ने इसको मना किया था, इसने भी पहले गलत हरकत बहुत बड़ी की कि उसके भाई को किडनैप किया। तो सबकी ये गलतियां, ये सारे रंगबाजियां कर रहे हैं, और हैरत की बात यह है कि ये पैसों के आगे अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं समझते, उनकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं ये वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आपको कोई भी मेरा मैसेज अच्छा लगा तो उसको ज़रूर आगे शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा आपसे, मुझे इनसे कोई हेट नहीं है, मुझे कोई नफरत नहीं है, ये जो मर्जी करते फिरे, कम से कम यार ये पंजाब पुलिस और ये हमारे माहौल को इस तरह ख़राब ना करें। पंजाब पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, ठीक है, कि पंजाब पुलिस फारग है, और कह रहे जी पुलिस ना बुलाओ, सी आप ही कर लेंगे, एडे तुसी वड्डे बदमाश, ठीक है। तो अपने आप को सीधा करो, कोई दूसरी एक्टिंग वक्टिंग करो। तो और मेरी ये जो जितने पेरेंट्स हैं इनसे रिक्वेस्ट है कि खुदा रहे अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर करें, पहले स्टडी करवाएं, किसी काबिल बनवाएं, फिर कुछ करवाएं। ये जो टिकटॉकर यूट्यूबरों के चक्कर में बन जाएंगे तो फिर यही कुछ होगा। अल्लाह हाफिज़ जी।